Hello students, good morning. This is class 2nd. Today our subject is EVS. So open your EVS book. Chapter number 16, means of transport. Okay, today we have start our new chapter, new lesson. Lesson number 16, page number 76. Lesson number 16, means of transport. ठीक है, मतलब कि यातायात के साधन. ठीक है, मतलब कि हमें एक जगह से दूसरे जगह पे जो साधन हम यूज करते हैं जाने के लिए, ट्रेवलिंग के लिए, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे लर्निंग पॉइंट्स दिए हैं कुछ. ठीक है, मतलब इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे वो यहाँ पे दिया है, तो हम वो जो टू पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं पहले. फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, मतलब कि जो यातायात के साधन हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. अभी कौन कौन से होते हैं वो उसके बारे में बताया है. ठीक है, और नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ व्हीकल्स यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर. ठीक है, मतलब कि व्हीकल्स की वैरायटीज, अलग अलग व्हीकल्स होते हैं. ठीक है, कुछ है जो लैंड वाले व्हीकल्स होते हैं, मतलब धरती पे चलते हैं. ठीक है, कुछ है पानी में चलते हैं, दैट मीन्स वाटर में चलते हैं, वाटर व्हीकल्स, और कुछ है एयर, हवा में चलते हैं. ठीक है, तो उन सभी व्हीकल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो वी शुड स्टार्ट द लेसन. अभी देखिए यहाँ पे लिखा गया है वी ट्रेवल एंड सेंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रोड, रेल, वाटर एंड बाय एयर. ओके, यहाँ पे कहा गया है कि वी ट्रेवल, हम सफर करते हैं. ठीक है, एंड सेंड गुड्स मतलब कि या फिर हम सफर कर रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, प्रवास कर रहे होते हैं, या फिर सामान को एक जगह से दूसरे जगह, गुड्स मीन्स होता है सामान. ठीक है, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैसे ले जाते हैं, रोड के जरिए ले जाते हैं. ठीक है, फिर रेल, ट्रेन जो आप बोलते हैं उसके जरिए ले जाते हैं. ठीक है, एंड देन वाटर. ठीक है, जैसे वाटर व्हीकल्स भी होते हैं, इसके अलावा एयर. ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर, उसके जरिए भी हम ये लेके जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. यहाँ पे कहा गया है इन मैनी प्लेसेस पीपल यूज एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दैट मीन्स कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इन मैनी प्लेसेस पीपल यूज, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि ये साधन नहीं हो पाते हैं, उसके लिए जो एनिमल्स होते हैं उनका यूज करते हैं सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे ढूंढने के लिए, या फिर ट्रैवल करने के लिए जो है लोग एनिमल्स का यूज करते हैं. जैसे कि देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है. ठीक है, कि रेगिस्तान में जो है हमेशा ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है, कैमल का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए. ठीक है, वहाँ पे भी यातायात के साधनों का अभाव होता है, तो लोग जो है पहले के ज़माने में भी लोग कैमल के द्वारा सवारी करते थे. ठीक है, इसके अलावा देखिए डोंकी है, उसका भी यूज़ किया जाता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर थोड़ा बहुत सामान होता है उसको ले जाने के लिए. उसी के अलावा देखिए यहाँ पे एलिफेंट. ठीक है, एलिफेंट जो है उनसे भी क्या किया होता है, बड़े बड़े जो लॉक्स होते हैं, जंगल काटे जाते हैं जैसे, तो उसके जो बड़े बड़े से लकड़ियाँ होती है वो ढोने के लिए भी एनिमल्स का यूज होता है, दैट मीन्स एलिफेंट का यूज होता है. ठीक है, तो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं उनका यूज होता है जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ढोने के लिए, या फिर पीपल को, मतलब लोगों को एक दूसरे, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए
इन एनिमल्स का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट लाइन में, इन हिली एरियाज पॉनीज एंड म्यूल्स कैरी पीपल एंड गुड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हिली एरियाज मतलब जैसे कि चढ़ाई वाले एरिया पे जो है पॉनीज मतलब रेस हॉर्स होता है उसका यूज होता है, म्यूल्स मीन्स गधे का भी यूज होता है, ठीक है, कि उसके ऊपर सवारी करके बहुत सारा सामान लोग के जो है लोग उस पर एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, ठीक है, कैरी पीपल एंड गुड्स की लोग जो है अपने सामान को भी ले जाते हैं और खुद भी उस पर सवारी करके एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचते हैं। इन डेजर्ट द कैमल इज ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रेगिस्तान वाले हिस्से में, रेगिस्तान के इलाके में जहाँ पे काफ़ी गर्म रेत होती है वहाँ पे कैमल ही ऐसा जानवर है जिसका यूज होता है ट्रैवलिंग के लिए, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए जो है कैमल का ही यूज होता है। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है, और इसीलिए जो है कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। देखिए जैसे कि द शिप ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, शिप मतलब जहाज, तो रेगिस्तान का जहाज जो है किसे कहा जाता है, कैमल को कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है इन फॉरेस्ट एलिफेंट्स कैरी लॉग्स ऑफ वुड्स, कि जंगलों में काफी घने जंगलों में एलिफेंट्स जो होते हैं वो बड़े बड़े जो है लॉग्स मतलब लकड़ी का जो बड़ा सा वो होता है लॉग होता है उसको कैरी करके लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। वुड वुड मीन्स लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स, जैसे कि इस तरह दिखाए, देखिए पिक्चर में इस तरह अपने सूंड में पकड़ के जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जो है लॉग्स सामान है उसको पहुंचाया जाता है। रेनडियर एंड एस्किमोस डॉग्स पुल स्लेड्स ऑन स्नो कवर्ड लैंड, और जो है रेनडियर मीन्स हिरन एंड एस्किमो डॉग्स, ठीक है, जो जैसे स्नो वाली जगहों में, स्नो मीन्स बर्फ वाली जगहों में जो है रेनडियर और